नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। साल 2020 में दो महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए, एक जिसने देश के लोगों को संतुष्टि दी, दूसरा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सबसे पहली बात यहां मैं पहले मामले की कर लेती हूं। दरअसल 2012 में हुए दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों को 20 मार्च 2020 को कई सालों के इंतजार के बाद फांसी दे दी गई, जिससे देश की जनता में ये विश्वास जागा कि इन दरिंदों को फांसी देने से उन लोगों को सबक मिलेगा जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और जो ऐसा कृत्य करने के बारे में सोचते हैं। और लोग ये सोचकर राहत की सांस ले ही रहे थे कि सितंबर साल 2020 में ही एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और देश के कोने कोने तक इस घटना की चर्चाएं होने लगी। घटना थी दिल्ली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अलीगढ़ से सटे हाथरस जिले की। अब बात यूपी की थी तो राजनीतिक बवाल होना ही था, क्योंकि सबको इस घटना को लेकर अपनी राजनीति चमकानी थी और हुआ भी ऐसा था। खैर, इस पर आगे चर्चा करेंगे। 14 सितंबर 2020 ये वो तारीख थी जो यूपी के लिए काली तारीख में गिनी जाती है। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड का एक साल पूरा हो गया है, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को इंसाफ की दरकार है। पीड़िता का परिवार सरकार के वादों को पूरा नहीं होने से खफा है। पीड़िता के परिजन की माने तो सरकार ने उन्हें आर्थिक मदद के अलावा मकान और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उन्हें मकान और नौकरी में से कुछ नहीं मिला। हालांकि हाथरस के बूलगढ़ी गांव में रहने वाला पीड़िता का परिवार सरकारी वादा पूरा नहीं होने की वजह से भले ही नाराज है, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा मिलने से वो परिवार अपने आप को सुरक्षित जरूर महसूस कर रहा है। इस मामले को लेकर लगातार सियासत भी होती रही है। विपक्षी दल और नेता लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। दरअसल हाथरस की हैवानियत के एक साल बाद भी पीड़िता का परिवार बंदूकों के साए में जी रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उनकी सुरक्षा हटेगी तो वे लोग गांव छोड़ देंगे। अब उनके घर में ना तो नेता आते हैं ना अफसर। उधर हाथरस की घटना में आरोपियों के परिवार वाले भी शिकायती अंदाज में ही बात करते हैं। आरोपियों के परिवार वाले अब भी अपने बच्चों को गलत मानने से इनकार कर रहे हैं। राजनेता भी इस मामले के सहारे यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना नहीं भूले। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज से एक साल पहले हाथरस में बलात्कार की भयावह घटना घटी थी और उत्तर प्रदेश ने परिवार को न्याय व सुरक्षा देने की बजाय धमकियां दी थी और उसने बेटी के सम्मान अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया था। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर इतना खराब रुख रखने वाली सरकार के मुखिया से आप संवेदनशीलता की आस रख भी कैसे सकते हैं। वैसे भी यूपी के मुख्यमंत्री महिला विरोधी सोच के अगवा हैं। वो कह चुके हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर इतना खराब रुख रखने वाली सरकार के मुखिया से आप संवेदनशीलता की आस रख भी कैसे सकते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों बीजेपी को हर मुद्दे पर घेरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाते हुए कहा है कि योगी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सपा प्रमुख ने हाथरस रेप कांड के एक साल पूरा होने के बाद भी पीड़िता को न्याय न मिल पाने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा सरकार के राज में नारी पर अत्याचार उत्पीड़न की प्रतीक हाथरस की बेटी के साथ हुए अन्याय का एक साल पूरा हुआ, पर न्याय अभी भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की एक भी बेटी, बहन, माँ, बहू भाजपा सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। अब जनता ही इंसाफ करेगी, भाजपा को साफ करेगी। हाथरस के सामूहिक बलात्कार कांड को एक बरस पूरा होने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं बदली। इस घटना का एक मार्मिक पहलू भी देखने को मिला है। दुष्कर्म हत्या की शिकार दलित लड़की की अस्थियां अब भी विसर्जित नहीं की गई। ये अस्थियां उसके परिजनों ने एक छोटे से कलश में घर के कमरे में एक कोने में रखी हुई है। अस्थियां ही नहीं, उसकी सिलाई मशीन और कपड़े भी संभाल कर रखे हैं। लेकिन ऐसा क्यों, इसके जवाब में देखिए ये खास रिपोर्ट। हाथरस कांड का एक साल कितना बदला प्रदेश का हाल।
बिटिया के दरिंदों को फांसी कब? मासूम की अस्थियां कलश में कैद। नहीं मिलेगा इंसाफ तो नहीं होगा अस्थि विसर्जन। उसकी चिता से उठ रही लपटें चीख चीख कर बोल रही थी कि उसके साथ बर्बरता हुई है। इसे तो सम्मान का अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ था। पीड़ित परिवार कहता है, जब तक उसे अदालत से न्याय नहीं मिल जाता वो अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिवार के लोगों ने कहा, ये लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ है। एक साल पहले 14 सितंबर 2020 को 19 साल की मासूम लड़की के साथ कथित तौर पर ऊंची जाति के चार युवकों ने गैंगरेप किया और उसे खेत में खून से लथपथ छोड़कर भाग निकले। उसकी गर्दन और प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर चोटें पाई गई थी, यहाँ तक कि उसकी जीप तक काट दी थी। अलीगढ़ में एक अस्पताल में चले इलाज के बाद पीड़िता को दिल्ली ले जाया गया। 11 दिन बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया था। देर शाम एम्बुलेंस में शव को उसके गांव ले जाया गया और यूपी पुलिस प्रशासन ने सुबह 3:30 बजे जबरन शव का अंतिम संस्कार कर दिया। एक साल बाद भी घुटन का आलम। इस पूरी घटना को पूरा साल बीत जाने के बाद भी परिवार को गांव से काट दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे हर समय उनके घर पर नजर रखते हैं। सीआरपीएफ के करीब 35 जवान पहरा देते हैं। पीड़िता के भाई ने कहा, यहाँ घुटन होती है, कोई हमसे बात नहीं करता, हमारे साथ गुनहगारों जैसा बर्ताव होता है। मुझे पता है कि सीआरपीएफ के जाते ही वो यानी कि दबंग हम पर हमला करेंगे। मेरी 3 छोटी बेटियां हैं और मैं उनकी रक्षा को लेकर परेशान हूँ। हम चाहते हैं लोग हमें स्वीकार करें। लड़की के बेरोजगार पिता ने कहा है कि गांव में उनका घर 70-80 साल पुराना है और उसे छोड़कर जाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा, इस जगह को छोड़ना आसान नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें। हमने क्या गलत किया है? हम ना तो मंदिर जा सकते हैं और ना ही बाजार। हमें घर पर ही कैद रहना होता है। प्रार्थना करते हैं कि अदालत फैसला जल्द दे। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी लड़ाई अब ना केवल अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए है बल्कि गांव में सामाजिक अन्याय के खिलाफ भी है। लड़की की मौत के बाद 2 मामले दर्ज किए गए थे। उसकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट और हाथरस में SC ST अदालत कर रही है। उच्च न्यायालय में विशेष जांच दल ने अभी तक जबरन दाह संस्कार पर एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की। SC ST कोर्ट रेप हत्या मामले की सुनवाई कर रही है। दबंग जाति के 4 लोग संदीप, रवि, लवकुश और राम को इस मामले में आरोपी बनाया गया। दूसरी तरफ परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के वादे के बावजूद उन्हें अभी तक नौकरी और नया घर नहीं मिला है। हमले वाले खेत के हिस्से में अभी भी फसल नहीं। लगभग 1800 की आबादी वाला गांव बुलगड़ी आगरा अलीगढ़ रोड से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते पर गांव से 0.5 किलोमीटर पहले वो खेत पड़ता है जहां घटना हुई थी। इस खेत का हमले वाला स्थान अभी भी खाली है। बिटिया के स्वजन की सुरक्षा में उनके घर पर 1 नवंबर 2020 से दिन रात 80 CRPF जवान पहरा देते हैं। हालांकि अब जवानों की संख्या कुछ कम हुई है। 8 CCTV कैमरे के जरिए सुरक्षा व्यवस्था पर नजर भी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। साल 2020 महीना सितंबर,
और दिन थे आज और कल के ही। ये वो दिन थे जब हाथरस में हुए कांड ने पूरे देश की निगाहें अपनी ओर खींच ली थी। यही दिन थे जब हाथरस कांड की चीख पुकार पूरे देश में सुनाई दे रही थी और हर किसी की नज़रें उसी कांड पर थी, जब एक बच्ची का पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार करा दिया था और इसीलिए परिजन आज भी न्याय के लिए आस लगाए बैठे हैं। जहाँ एक तरफ योगी सरकार महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर तमाम दावे करती है, तमाम वादे करती है, महिला सुरक्षा को लेकर लाख बातें करती है, कहीं एक तरफ की बात की जाए तो महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी जाती है, जागरूक किया जाता है, और अगर योगी सरकार की बात कर ली जाए तो बीजेपी सरकार हमेशा यही नारा देती है, यही दावा करती है, यही वादा करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन इन सब के बावजूद भी यूपी में अपराध की स्थिति किस तरह से बढ़ रही है, ये हर किसी ने देखी है। हाथरस कांड में पिछले साल जो कुछ हुआ वो हर किसी ने देखा और हर किसी को पता था कि उस कांड में गलती आखिर किसकी थी, और उसके बाद भी आरोपियों की अब तक जो है आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। और इस पूरे मामले की बात कर लें तो सीबीआई जांच की मांग की गई, तमाम मांगे की गई, लेकिन अब तक भी एक साल पूरा बीत चुका है, उसके बावजूद भी एक साल बाद भी परिवार को न्याय नहीं मिला है, परिवार को इंसाफ नहीं मिला है, और परिवार इसी आस में बैठा है, इसी न्याय में उसमें उम्मीद में बैठा है कि कब उन्हें न्याय मिलेगा, कब उन्हें उनकी बेटी की, वो अपनी बेटी की अस्थियां विसर्जित कर सकेंगे। क्योंकि देखिए एक साल बीत गया, अंतिम संस्कार पुलिस ने जबरन कर दिया था, परिवार के पास कुछ भी नहीं था, परिवार बेटी को आखिरी बार देख भी नहीं पाया था, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया था, और इस पूरी घटना के कम से कम 3 से 4 दिन बाद बच्ची की अस्थियाँ उन्होंने वहाँ से उठाई थी, लेकिन उन सब के बावजूद भी अस्थियाँ अभी तक विसर्जित नहीं की है। परिवार लगातार यही कहता रहा है कि जब उनकी बेटी को न्याय मिलेगा वो तभी अस्थि विसर्जित करेंगे, लेकिन ऐसे में देखिए तमाम वादे तमाम दावे किए जाते हैं। उस पिछले साल क्या कुछ हुआ वो हर किसी ने देखा, हर किसी ने देखा कि कितनी भारी संख्या में वहाँ पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। राजनीति भी इस पूरे मामले में काफ़ी हुई, बड़े बड़े नेता वहाँ पर पहुँचे थे, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो पुलिस के रोकने के बावजूद भी वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अगर एक साल बीत जाने के बाद की बात की जाए तो एक साल बीत गया, इस पूरी घटना में अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही परिवार को अभी तक न्याय मिल सका है। जरूर राजनीति बहुत हुई, यह हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबना है कि जब भी कोई घटना घट जाती है उसके बाद राजनीति होना स्वाभाविक है, और यही हुआ हाथरस कांड में, खूब राजनीति हुई, तमाम बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे, न्याय की आस दिलाई उनको कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, हम आपकी आगे बात रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। अब एक साल बीत गया, ना तो वहां कोई नेता नजर आता है, ना वहां कोई जांच टीम नजर आती है, ना ही कोई वहां न्याय की बात करता हुआ दिखता है, और इसीलिए परिवार आज सुरक्षा के बीच जो है रहने को मजबूर है, परिवार सीसीटीवी कैमरे के बीच रहने को मजबूर है, और परिवार आज भी यही आस लगाए बैठा है कि एक साल बीत गया शायद हमारी बेटी को आज जो है न्याय वो मिल जाए। क्योंकि निर्भया कांड में जिस तरह से कई साल लग गए थे, 7 से 8 साल का वक्त लग गया था आरोपियों को सजा सुनाने में, शायद यही लगता है कि इस हाथरस कांड में भी आरोपियों को सजा सुनाने में शायद इतना ही वक्त लगे। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से निर्भया कांड में भी हुआ था कि निर्भया की मौत हो गई थी, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, उसके बाद भी इतना वक्त लग गया कि दोषियों को सजा सुनाई गई। लेकिन अब की स्थिति की बात करें, हाथरस कांड की बात की जाए तो हाथरस कांड में भी अभी एक साल बीत गया है लेकिन स्थिति सुधरी नहीं है, स्थिति अभी भी ऐसी है, ना तो आरोपियों को सजा सुनाई गई है, और इसीलिए परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। कैमरामैन सरताज के साथ मैं पारुल त्यागी, नोएडा। एक साल पहले शर्मसार करने वाली घटना ने उत्तर प्रदेश हाथरस जिले के बुलगड़ी गांव को सुर्खियों में ला दिया था। कई दिन तक बुलगड़ी सियासी जंग का मैदान बना रहा। एसआईटी फिर एसबीआई ने मामले की जांच कर सबूत जुटाए, कई अफसरों पर कार्रवाई हुई। 67 दिन की जांच के बाद सीबीआई ने चारों आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में चार्जशीट विशेष न्यायालय SC ST अधिनियम में दाखिल की। अब तक 29 तारीख पड़ चुकी हैं, 104 में से 16 लोगों की गवाही हो चुकी है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है, लोगों को अदालत के फैसले का इंतजार है। गिरफ्तारी के बाद से ही चारों आरोपित जेल में हैं। युवती की मौत के बाद ये मामला गर्मा गया। देश भर के नेता, संगठनों से जुड़े लोग मृतका के स्वजन से मिले,
वहीं एक साल बाद के हालात कैसे हैं और तमाम राजनीतिक दलों का इस मामले में क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। सरकार के दामन में जो दाग लगे थे, सरकार दाग धोने का लाख प्रयास करती रही। हाथरस के मामले को लेकर जिस तरीके से पूरे देश से आवाज आई, मगर योगी सरकार लगातार बड़ी बड़ी उपलब्धि बता रही है, मगर एक दलित की बेटी को न्याय नहीं दिला पा रही, ये अपने आप में सवाल है। अब तो सरकार की चली चला की बेला है, सरकार के पास कम समय बचा है, मगर सवाल उठता है कि नारी के सम्मान में और भाजपा मैदान में नारे लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी का दलित की बेटी को न्याय दिलवा पाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही, मगर आज जिस तरीके से योगी सरकार अपनी उपलब्धियों का ढोल बजा रहे हैं, क्या दलित की बेटी को न्याय दिल पाएगी? सारे सवाल 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता पूछेगी और दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कहती है, मगर सवाल उठता है कि क्या दलित की बेटी को न्याय दिला पाई? एक वर्ष के बाद भी शर्म आनी चाहिए योगी सरकार को। कांग्रेस पार्टी मांग करती है अविलंब, अगर नैतिकता है, ईमानदारी है और उत्तर प्रदेश की जनता का जो जनमत आपने दिया है उसका उसको मानते हैं, संविधान मानते हैं, तो दलित की बेटी को न्याय कब मिलेगा? ये सवाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपसे करती है। हाथरस में जो घटना हुई उसके एक साल पूरे हो गए, बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, कहीं नहीं होनी चाहिए ऐसी घटना, निंदनीय घटना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्परता बरतते हुए सभी दोषियों को पकड़वाया, एसपी समेत कई पुलिस वालों को निलंबित भी कराने का काम किया गया। आज वो मामला न्यायालय में है, परिवार को पूरी सुरक्षा दी गई, एक एक व्यक्ति को दो दो आरक्षी की सुरक्षा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए भी सरकार के कोष से उस परिवार को दिलवाया। आज उस परिवार के प्रति सरकार की पूरी संवेदना है, लेकिन अभी भी विपक्षी दल बाज नहीं आ रहे हैं इस पर राजनीति करने से। अखिलेश जी हो या कोई हो, अब तो मामला न्यायालय में है। अखिलेश जी, थोड़ा सा न्याय पर भरोसा रखिए, हिंदुस्तान की न्याय पर क्या आपको भरोसा नहीं है? न्यायालय पर सवाल उठा रहे हैं कि एक साल हो गया न्याय नहीं मिला। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने तरफ से जो बेहतर प्रयास करना चाहिए था वो किया, और आने वाले दिनों में भी उस परिवार को जो भी सहायता देना होगा, जिस तरीके की सहायता चाहिए, सरकार कटिबद्ध है देने के लिए। लेकिन आप लोग भ्रामक राजनीति मत कीजिए। जो राजनीति आप लोगों ने किया, उतनी राजनीति उतना संवेदना अगर वहां दिखाए होते तो राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस परिवार के साथ संवेदना होता और उस परिवार को कुछ आज हासिल हुआ होता। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है, साथ में खड़ी रही सिर्फ सरकार, और सरकार को बदनाम करने का भी काम आप लोगों ने किया है। छोड़ दीजिए अखिलेश जी, आप जब मुख्यमंत्री थे सीएम आवास के सामने गैंगरेप हुआ था और हत्या हुई थी एक लड़की की, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। आप वो हैं जो दो गुटों के द्वारा रंजिश में एक डीएसपी मरता है तो 50 लाख रुपए देते हैं, और एक शहीद जो है जो देश की सेवा करता है उसको 20 लाख रुपए का देने का काम करते हैं, और आप सवाल उठाते हैं? कोई हक नहीं है आपको सवाल उठाने का। न्याय में अगर देर हो रहा है तो वह अपने आप अन्याय हो जाता है। यह तो न्याय शास्त्र का मूलभूत सूत्र है। इतना देरी के बाद तो अन्याय हो चुका। हम लोग जब बार बार कहा करते थे, हमारे नेता श्री सुखपाल सिंह जी कहा करते हैं और कहा करते रहेंगे कि इस सरकार की कार्य योजना में, प्राथमिकता में कहीं भी आम जनता के सुख दुख में शामिल होना नहीं है, इसको जन सरोकारों से कोई वास्ता नहीं है। न्याय यह देना नहीं चाहती, यह जनता को सिर्फ उलझाना चाहती है, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी तालिबान अफगानिस्तान के नाम पर। आप हमें ये बताइए, हम क्या सभ्य समाज के लोग हैं जो अपनी बिटिया को अन्यायियों से बचा न सके? और बचाने के बाद छोड़ दीजिए, नहीं बचा सके, वह दुखद था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम
बिटिया के धरती पर बुरी तरीके से, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विदा होने के बाद उसको न्याय तक नहीं दे सके। अन्यायी सरकार है। अगर इसकी प्राथमिकता में न्याय होता, इसकी प्राथमिकता में कानून व्यवस्था होता, तो आज उत्तर प्रदेश में एक अलग गृह मंत्री भी होता, एक अलग से गृह सचिव होता, जिसके पास गृह मंत्रालय के अलावा और कोई मंत्रालय या सचिवालय नहीं होता। जब सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है लोगों को न्याय देना, लोगों के सुख सुविधाओं को बढ़ाना, तो फिर क्या किया जाए? आज के दौर में मुझे गोपाल दास नीरज जी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि वो जहर देता तो सबकी नज़र में आ जाता, किया यूं कि वक्त पे दवा न दी। दवा न्याय है, दवा रोटी है, दवा रोजगार है, और यह सरकार ये नहीं दे रही है। सीबीआई ने घटनास्थल से लेकर थाना, अस्पताल में इलाज समेत हर पहलू को खंगाला, सीन रिक्रिएट किया गया। मृतका आरोपितों के स्वजन ग्रामीण प्रधान पुलिस डॉक्टर सबसे पूछताछ कर 67 दिन बाद 18 दिसंबर को विशेष न्यायालय SC ST अधिनियम में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई। सीबीआई ने 104 लोगों को गवाह बनाया। 4 जनवरी को केस की पहली तारीख पड़ी। मामले की न्यायालय में सुनवाई अब भी लगातार जारी है और पीड़ित परिवार को इंसाफ की आस आज भी है, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है। हम इस समय मौजूद हैं हाथरस के चर्चित कांड बिड़िया के गुड़िया के गांव में। यहां 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार को अभी भी न्याय नहीं मिला है। पीड़ित परिवार की जो मांगे हैं वो साफ तौर से ये हैं कि जो सरकार ने हमारे वादे किए थे हमसे, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और कोर्ट से भी यही गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। पीड़ित परिवार की सुरक्षा में CRPF के जवान 2400 घंटे मुस्तैदी से पीड़ित परिवार की सुरक्षा में, यहाँ पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके से पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई है। लेकिन परिवार के सदस्य जो पीड़िता के भाई का कहना है कि अभी तक हमने अपनी बहन की अस्थियां भी विसर्जन नहीं किए हैं, जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिले तब तक न्याय मिलेगा। मैं दीपेश कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हाथरस। दिल्ली में 2012 में निर्भया रेप केस हुआ, जिसके कई सालों बाद आरोपियों को फांसी मिल सकी है, जो कि पिछले साल ही मिली। अब इस मामले में कितना समय लगेगा ये देखना होगा। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।